शराब, फूड पॉइजनिंग एंड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। शराब पीने की आदत एक व्यक्ति को थी, उसका कॉल आया और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम, समस्या वो अपने बारे में बता रहा था। तो मैं आपको पढ़ा के बताता हूँ, पढ़कर ही बता रहा हूँ मैं आपको, किसका 4 महीने पहले उसको फूड पॉइजनिंग हुआ। शराब पीता था, कहीं बाहर चले गए ढाबे के ऊपर, खाना खा लिया, कम ज़्यादा हुआ और जितने भी 4 लोग गए थे उनको सबको फूड पॉइजनिंग हुआ। पेट दुखना, उल्टियाँ, तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, वहाँ सोनोग्राफी की, वो नॉर्मल निकली, उसके लिए उपचार किया, आराम पड़ा, मगर तब से दाहिने और बाएं बाजू में पेट दर्द कर रहा है। बहुत ही चिंता लगी रहती है, कभी कभी ऐसे चिंता के अटैक आते, पैनिक अटैक टाइप लगता है कि मैं मर जाऊंगा। और फिर जैसा ही वो ज़्यादा कंप्लेन उसको आती है एंग्जाइटी की और पैनिक की, फिर और ज़्यादा पेट दर्द करना चालू हो जाता है और वो ज़्यादा पेट दर्द हुआ कि लगता है कि अभी मैं मर जाऊँगा, मतलब विशेष साइकिल में फंस गया है। ढकार आते हैं, एसिडिटी बहुत होती है, ऐसा अनाज ऊपर ऊपर आता है ऐसा उसको लगता है, लैट्रिन साफ नहीं होती और वजन बहुत कम हो चुका है। पिछले 4 महीने में 10 किलो वजन उसका कम हुआ है। सेक्स प्रॉब्लम हो चुका है, शादीशुदा है मगर सेक्स प्रॉब्लम हुई। सेक्स प्रॉब्लम में उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब लिंग में कठोरता नहीं आती और उसके वजह से फिर उसके झगड़े भी चालू हो गए मिसेज आदमी की, क्यों हो रहा है, आप शराब पीते थे, आपका कोई संबंध बाहर है क्या, आप क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसा उसकी मिसेज बोलती है, झगड़ा करती है। उसकी इच्छा भी कम हो गई, अभी उसको लगता कि मैं बीमार हूँ और बीमारी का जब उसके मन में ख्याल आता है तो सेक्स की इच्छा भी होती नहीं है, गैसेस काफ़ी होते हैं, पेट दुखता है, कभी कभी लैट्रिन जो होती है वो बहुत पतली होती है और फिर कभी भूख ही लगती नहीं है बिल्कुल, फिर 2 दिन खाना नहीं खाता। अभी शराब पीना बंद किया है मगर जब घबराहट होती है, बेचैनी, तो ऐसा लगता है कि अभी मर जाऊंगा, इतना उसको डर लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगा, इतना विचार वो ज़्यादा हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ तो अच्छा है इससे, और उसने कोशिश भी कर लिया खुदकुशी करने की मगर बच गया। कभी कभी खून जाता है लैट्रिन में और ऐसा लगता है कि कभी लीवर खराब हो गई, कभी किडनी खराब हो गई और चिड़चिड़ेपना उसकी वजह से आता है, गुस्सा आता है, सब मैंने पूरी उसकी हिस्ट्री लिखी है। और फिर पेट में ऐसा गड़गड़ गड़गड़ ऐसा आवाज़ आ जाता है। उसको तंबाकू दिन में 10 बार खाता है, तंबाकू अभी भी आदत है। कुछ भी वजन उठा लिया तो पेट दर्द करता है, नीचे झुक गया तो पेट दर्द करता है। तो ऐसे उसको मल्टीपल सोमेटाइजेशन है, मतलब मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम्स है, एक तो सेक्स का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बॉयल का प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक आते हैं, पेट दुखता है, ऐसे अलग अलग तरह के सब सिम्टम्स उसको है, उसको लगता है कि मैं बीमार हूँ। सब तरह की जांच करने के बाद में भी कुछ निकलता नहीं, फिर निराशा आती है, कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो इसको फिर हमने बोला ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री ले लिया, उसको सुना, जितना भी उसको बाहर बोलना था उसको मैंने सुन लिया, सुनने से उसको लगा कि मैं अच्छा हो गया काफ़ी। बोले इतना मेरा कभी किसने सुन के नहीं लिया, कहीं भी गया तो बोलते ठीक है दवा ले लो चले जाओ। तो उसको पहला अनुभव यह आया मेरे पास में कि भाई एक ही पहला व्यक्ति मैं था कि जिसने उसका पूरा सुन लिया कि बीमारी क्या है। बोले मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपने सुन लिया। और फिर मैंने उसको मेडिसिन लिख दिया और उसको हिप्नोथेरेपी चालू किया। जैसे मेडिसिन चालू किया इमीडिएटली उसको फ़ायदा हो गया। यूजली हम क्या करते हैं, मेडिसिन चालू करते हैं इमीडिएटली फ़ायदा हो जाता है, साथ साथ हिप्नोथेरेपी चालू करते हैं हफ्ते में एक बार ऐसा ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग होता है वो कोर्स, और उसमें भी धीरे धीरे उनको फ़र्क पड़ता है, धीरे धीरे गोली बंद हो जाती है, तो वो काफ़ी आराम पड़ने लगा। उसको जो उसने दिमाग में वो बैठ गया था कि फूड पॉइजनिंग हो गया और अभी मैं मरने वाला हूँ, वो जो विचार था वो विचार सब तकलीफ दे रहा था, तो उसको अच्छा लगने लगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो ऐसे मल्टीपल सोमैटिक सिम्टम्स लेके आते रहते हैं, निकलता कुछ नहीं है, घूमते रहते हैं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, एक्चुअली उनको ज़रूरत रहती है रीएश्योरेंस की, सुनने की, कुछ दवा, कुछ हिप्नोथेरेपी, और वो अच्छा जीवन जीना चालू कर देते हैं। ये जो व्यक्ति खुदकुशी करने के लिए गया था, देखो उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, क्या करते थे, रोज झगड़ा करते थे, वाइफ झगड़ा करके एक तो डिवोर्स ले लेती थी, शराब पहले पीता था, उसके पहले झगड़े भी होते थे शराब पीने की वजह से, अभी सब नॉर्मल हो गए। तो आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों के जीवन में ये वीडियो फैलाकर। जिनको प्रॉब्लम्स है, कोई पूछना है तो हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा ऐप है, वो आप डाउनलोड करके उसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज हमारे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।